नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत वॉक इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ गई हैं। सेशन 2020-21 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची जोन के अंतर्गत 40 केंद्रीय विद्यालयों में ये भर्तियां आई हुई हैं। डायरेक्ट आपको इसमें इंटरव्यू होना है, कोई भी लिखित परीक्षा इसमें नहीं होना है, ठीक है। सैलरी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। TGT, PGT, PRT और कई अन्य पदों पर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हो रही हैं। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, ये शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पर इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल है। इस डेट में आप लोग इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, जहाँ से भी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि धनबाद क्लस्टर के अंतर्गत ये KVS स्कूल है, यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, इनके वॉक इन इंटरव्यू हैं। वहीं पर टाटा नगर क्लस्टर के अंतर्गत देख रहे हैं, KV टाटा नगर, सरोडा, इस तरीके से 5-6 स्कूल हैं KVS के, यहाँ पर ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। बोकारो क्लस्टर के अंतर्गत देख पा रहे होंगे, KV बोकारो नंबर 1, बोकारो नंबर 3, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा, गोमो, गिरडी, इन KVS स्कूलों में रिक्तियाँ हैं। रामगढ़ क्लस्टर के अंतर्गत ये सारे स्कूल हैं जहाँ पर KVS के यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं। रांची क्लस्टर के अंतर्गत देख पा रहे हो, ये काफ़ी सारे स्कूल हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ होनी हैं। इसमें हर विषय की वैकेंसियाँ हैं। अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, हालांकि ये टेम्परेरी बेस पर है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करना, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू पे जाना। कुल मिलाकर के 40 KVS स्कूल हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं। यहाँ पर जिस क्लस्टर में आप लोग एपियर होना चाहते हैं इंटरव्यू में, उसका शेड्यूल ये ऊपर दिया गया है। जैसे आप धनबाद क्लस्टर के स्कूल के अंतर्गत अगर आप वहाँ पर भर्ती होना चाहते हैं, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो 14 और 15 को इंटरव्यू है। इसमें PGT के ऑल सब्जेक्ट, TGT के ऑल सब्जेक्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच के लिए इंटरव्यू होंगे आपका 14 तारीख को। वहीं पर 15 तारीख को जो इंटरव्यू होंगे वो PRT के होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के होंगे। तो यहाँ सबके बारे में डिटेल से दिया गया है। जिस क्लस्टर में आप लोग आवेदन करना चाहें, वो यहाँ पर शेड्यूल दिया गया। उस क्लस्टर से संबंधित जो वेन्यू है, ये वेन्यू है, यहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यू होंगे, यहाँ पर आप लोग अपना जा सकती हैं, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से पदों पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है और किस किस सब्जेक्ट की भर्ती है वो यहाँ पर दिया गया। जैसे PGT फिजिक्स केमिस्ट्री की भर्ती, यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो बताया गया है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपका होना चाहिए। MSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्लस BEd, यानी MSc आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में प्लस BEd है, तो PGT के लिए आप एलिजिबल हैं। तो PGT फिजिक्स के पद हैं, केमिस्ट्री के पद हैं, हिंदी के पद हैं, इंग्लिश के पद हैं, PGT इकोनॉमिक्स के पद हैं, PGT कंप्यूटर साइंस के पद हैं, और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो TGT के भी पद हैं। TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT मैथ, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस। यहाँ पर TGT की बात कर लेते हैं, BA BSc आपका होना चाहिए, BEd होना चाहिए, CTET भी आपका होना चाहिए, 50% मार्क आपका होना चाहिए डिग्री लेवल पर। इसी तरीके से PRT के भी पद हैं। यहाँ पर PRT में क्या मांगा गया है, +2 विद टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड CTET क्वालिफाइड, सीटेट होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के भी पद हैं, यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोच यानी फुटबॉल बास्केटबॉल के भी पद हैं, क्ले मॉडलिंग, डांस टीचर, योगा के भी यहाँ पर पद हैं। संबंधित आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें डिग्री होना चाहिए। और डॉक्टर के भी पद हैं, नर्स के भी पद हैं, काउंसलिंग के पद हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पर भर्तियाँ आई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा दें कैसे आप किसका शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, कैस क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म है और किस तरीके से आप इसमें इंटरव्यू पार्टिसिपेट हो सकते हैं, इसकी वेबसाइट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसका प्रोफार्मा है, ये आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, इसको अच्छी तरीके से पूरा फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू, उस दिन आपको जानना है क्या क्या ले जाएंगे अपने साथ इंटरव्यू पार्टिसिपेट होने के लिए। तो आपको ये प्रोफार्मा भर कर लेके जाना है, आपको एक कलर फोटो लेकर के जाना है, फोटोग्राफ, ठीक है, और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। बस तीन चीज़ें आपको लेकर जाना, और कुछ भी जाने की लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो
ये प्रोफार्मा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेबसाइट भी दिखा देते हैं, वहाँ से भी इसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे गूगल पर डालेंगे आप ro.ranchi.kvs.gov.in, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये रनिंग स्क्रॉल हो रहा है, जैसे आपको दिखा दें हम लोग, तो यहाँ पर जैसे रनिंग स्क्रॉल क्लिक कर दीजिएगा इसके स्टॉप पे, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू अप्लीकेशन, और यहाँ पे क्लस्टर वाइज इंटरव्यू शेड्यूल, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है डाउनलोड, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के टीचर भर्ती की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।